दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन। पूरा दिन बीत चुका है, पूरा दिन से एक प्रकरण चल रहा था। हालांकि सुबह सुबह जब पता लगा तो दादरी में जो पंचायत होनी थी वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई और उसके बाद पंचायत का स्थान बदल दिया गया जो कि जिठेड़ा गाँव में रही। वहाँ पर भीड़ हो गई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वहाँ पर जोश था, युवाओं में रोष था, दादरी की तरफ चल निकले थे युवा, गिरफ्तारी हो गई थी। अब एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी का नाम बता दीजिए सर। सबसे पहले तो कमेटी का नाम क्या रखा गया है जो अब कमेटी बना? राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति, संघर्ष समिति। अच्छा, अब ये कमेटी क्या काम करने वाली है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये कमेटी, वैसे तो मैं आपको बता दूं, हम पंचायत में जाने ना दिए, बहुत आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, आधे आदमी ने पंचायत किए मंदिर में, आधे आदमी ने की है, और फिर जब वहाँ से निकल के पंचायत ख़त्म होगी तो सारे यहाँ सबकी गिरफ्तारी हुई है। जितनी भी पंचायत में आदमी आए हैं, चाहे वो पूरे देश से कहीं से भी आया, पुलिस ने एक आदमी भी बगैर गिरफ्तारी के नहीं छोड़ा। जो पंचायत में उन्हें पुलिस ठाठा के लिए आई, यहाँ गिरफ्तारी हुई है। वैसे हुआ बहुत गलत काम, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत ही गैर काम हुआ है। अब हमने एक समिति बनाई है और वो समिति 2 अक्टूबर को मीटिंग लेगी अपने गुर्जर भवन में, परी चौक, अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। हाँ, अच्छा, अब जो गिरफ्तारियां हुई थी उसके बाद अब क्या हुआ है, सभी वापस घर जा रहे हैं या क्या? वापस जा रहे हैं, अब तो केक रही है, जेल है इतनी जो गुर्जरों को बंद करने तड़की पता लग जाएगा। ये तो गुर्जरों की राजधानी है दादरी, ये तो जेल पूरे वकी भर देंगे पूरे देश की। दादरी के तो मर्द रहे हैं सदा से, इनका इतिहास है। तो युवाओं में काफ़ी रोष था, युवा चाहते थे आज ही दादरी जाना। हालांकि बातें ऐसी भी सुन रहा था मैं यहाँ पर, हुई कि मूर्ति का दोबारा अनावरण हो और गंगा जल से पहले शुद्धिकरण करके उसके बाद हो। ऐसा है, हमारी समाज में एकता है और मान सम्मान है, पंचायत बरकरार है। अभी युवाओं में जोश जरूर, युवाओं में ना बड़ों में भी जोश है, पर पंचायत की बात मानी है। ये बुजुर्ग आदमी रहे, ये खड़े और दो चार गए, उनने जैसे कही है हमारे युवाओं ने माननी है और युवा भी इनके काम चले है। भाई हमारा युवा तो हमारे साथ रहेंगे, युवाओं को जो भी समिति जो निर्णय लेगी ना तो उसमें सबको वो करेंगे, युवा आगे रखेंगे युवाओं को। अच्छा, आपकी बार मैं देख रहा था, पहले भी मैं 2-3 प्रोग्राम कवर कर चुका हूँ, अनंगपुर, फतेहपुर, हाँ मैं ये सारे प्रोग्राम कवर कर रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ नज़र आती थी, इधर से हरियाणा में एक बेल्ट है गुजरों की, वहाँ से लोग नहीं दिखाई देते थे, यूपी में एक बेल्ट है वहाँ से नहीं दिखाई देते। अब की बार आपके साइड में देखिएगा, आप खड़े हैं, एक युवा पूर्व प्रधान संजीव प्रधान है, लगभग 20 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पहुँचे, ऐसा अंदाजा था कि ये लोग पहुँचेंगे यहाँ पर सहारनपुर और कैराना से? सब अपने आप आए, पूरा देश आवता है तो अखबार में थोड़ी गलत लिख दी भाई वो इजाजत ना दे रहे पंचायत ना होने दे। अब आप देख लेना किसी दिन जब पंचायत हो, सहारनपुर से 20 गाड़ी तो ना लाखों में इकट्ठे होंगे, चाहे दिल्ली होंगे, पूरे भारत का है। इसकी शुरुआत दादरी में हुई है लेकिन ये आंदोलन पूरे भारत का, पूरे गुर्जरों के गौरव का है। हमारे बच्चों ने ग्वालियर में भी बमों का मुकाबला किया है, आज गुड़गांव में भी चुनौती दी गई है एक समाज के द्वारा कि हम गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम मिटा देंगे। तो यूपी की बात नहीं है ये अकेले, ये राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति और राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति बनी इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होगा, जिसकी शुरुआत आज ये समिति, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो निर्णय लेगी और आगे 2 अक्टूबर के बाद में क्या क्या नीति अलग अलग प्रांतों में अपनानी है वो किया जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत तरह की घोषणा की है, अभी हम आगे की रणनीति 2 अक्टूबर को आपको बताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गुर्जर स्वाभिमान समिति जो बनाई गई है उसमें कितने लोगों को रखा गया है या कितने लोगों को और लिया जाएगा? अब उसमें जो 2 अक्टूबर का टाइम है वो कितने बजे का और समय कहाँ का रहेगा? वो तो क्योंकि आज यहाँ बैठे हम तो एक फौरी तौर पे एक ढांचा खड़ा कर लिया है हमने, और उसमें विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व अगर छूट गया रह गया तो वो उसमें जोड़े जाएंगे, लेकिन ये संचालन करेगी यही समिति। और आगे का आंदोलन का किस तरह करना है, कब क्या करना है, क्या घोषणा करनी है, क्या कदम उठाना है, उस सब के लिए समिति का घोषणा कर दी। अभी 2 अक्टूबर के लिए समय नहीं रखा गया, 2 अक्टूबर को तो ये समिति बैठेगी और ये निर्णय लेंगे, हम आपको अवगत कराएंगे। पर मोटा मोटा ये है कि अब गुर्जरों के चमचमाते इतिहास पर कालिख नहीं पोतने दी जाएगी। अब गुर्जरों के इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोई दुस्साहस करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। मोटी मोटी बात यह है, अगर योगी जी देखना चाहते हैं तो महारानी का इतिहास देख लें पहले,
वे गुजर ही थे, वे आज यहाँ भी यार वही गुजर है। ये राजस्थान में देखा होगा ना, वो ये तो बाबा जी है, वो तो महारानी थी, जब महारानी थे तो हाथ कर लिया बाबा जी के हो, ये तो बथेरे मंदिर में फिर पत्थर पत्थर हटाने से हमारा इतिहास नहीं मिट जाएगा। हम गुजर थे, गुजर हैं और गुजर रहेंगे, गुजर के वंशज हैं और गुजर के वंशज रहेंगे, किसी हटाने से किसी के हटेंगे नहीं हम। धन्यवाद। देखिएगा, हालांकि अब यहां पर एक समिति बनाई गई है जो 2 अक्टूबर को बैठेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या निर्णय रहता है। संजीव जी आ जाइए, निकल कहां रहे हैं, बच के आप समिति के मेंबर बनाए गए हैं आप, मैं सुन रहा था पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, इधर से पहुंचे लोग और भारी संख्या में लोग पहुंचे, तो क्या किस तरह से रखा आपके सामने प्रस्ताव रखा है, क्या बात हुई थी? देखिए, अभी हमारी आज गुर्जर स्वाभिमान सम्मान समिति की का गठन हुआ है, इसमें 2 अक्टूबर को जो है निर्णय लिया गया है, सभी जो सदस्य चुने गए हैं 2 अक्टूबर में जो है इसका जो है मीटिंग होगी, उस मीटिंग में पूरे देश के गुर्जरों को इनवाइट किया जाएगा और आगे की जो निर्णय आगे का जो निर्णायिका होगी वो आगे तय की जाएगी, इसके बाद निर्णय तय किया जाए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरे देश भर से गुर्जर इकट्ठे होंगे और समिति में यहाँ पर हो सकता है जो 101 लोग हैं वही पहुँचे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लगातार देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं हूँ रोहित शर्मा, जय हिंद।